हम आगे बढ़ते हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन में। आज हम बात करेंगे कैप्री ग्लोबल के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी लोन सेगमेंट ग्रोथ पर और किस क्षेत्र में ज़्यादा ग्रोथ हो रही है इस पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही मार्जिन ग्रोथ को लेकर कंपनी की क्या योजना है इस पर भी चर्चा होगी। मैनेजमेंट के पास जाएँ उससे पहले कंपनी के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। MSME लोन और हाउसिंग फाइनेंस पर फोकस करने वाली NBFC है। ये अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में लोन देने का काम करती है। कंस्ट्रक्शन फाइनेंस और इनडायरेक्ट लेंडिंग का भी कारोबार है। चलिए, हमारे साथ कैप्री ग्लोबल के MD राजेश शर्मा जुड़ गए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और साफ तौर से पहला सवाल आपके ग्रोथ को लेकर होगा, जो कि इस तिमाही में आपसे जानना चाहते हैं। सेगमेंटल परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम समझना चाहें तो किस तरह से लोन बांटा गया है और किस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं? तो हम डिसबर्समेंट की इस बार बात करें तो कंसोलिडेट लेवल पे हमने डिसबर्समेंट किया है करीबन 1811 करोड़ के, जो करीबन पिछले सेम क्वार्टर से करीबन 43% ऊपर है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से करीबन 22% ऊपर है। MSME में करीबन 286 करोड़ के डिसबर्समेंट हुए हैं। गोल्ड लोन में 774 हुए हैं। कंस्ट्रक्शन लोन में 278 हुए हैं। होम लोन में करीबन 307 करोड़ के हुए हैं। इनडायरेक्ट लैंडिंग में करीबन 166 करोड़ के हुए, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वाला क्वार्टर रहा है। आप ईयर ऑन ईयर पे देखेंगे, हमारा AUM जो है करीबन 49% से ग्रो हुआ है। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में करीबन 5774 करोड़ का AUM था, जो अब बढ़कर के करीबन 8652 करोड़ पे हो गया। यहाँ पर कोई खास राज्य जहाँ पर आपने देखा है कि आउटस्टैंडिंग ग्रोथ हुई है मोमेंटम के लिहाज से, ये जो एरियाज हैं अगर कोई ऑब्जर्वेशन में है तो वहाँ पे स्ट्रांग मोमेंटम पकड़ा गया है, कुछ ऐसा है? देखिए, ग्रोथ जो है इज अ फंक्शन ऑफ आवर ब्रांच प्रेजेंस आल्सो। तो यदि हमारी ब्रांचें MP में ज्यादा होंगी तो हमारी ग्रोथ भी वहां से ज्यादा आएगी। हम गोल्ड लोन की बात करें तो नया प्रोडक्ट है, अभी हमने सभी में ब्रांचेज में खोली है, करीबन 450 ब्रांचें हमारी ऑपरेशनल हो गई है। तो ब्रांच लेवल में हमारा प्रेजेंस MP में अच्छा है, राजस्थान में सेकंड है, उसके बाद में हमारा गुजरात में है, फिर ROM है, MMR है, तो ये रीजन है हमारे। सो ग्रोथ हमारी सबसे ज्यादा MSME होम लोन की बात करें तो करीबन वो सारी की सारी ग्रोथ आपकी जो है MP से आ रही है, गुजरात से आ रही है, इन सब रीजन से आ रही है। अगर हम इस तिमाही की बात करें तो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में और कॉस्ट रेशियोज में थोड़ा सा इजाफा देखा गया है, तो आगे आने वाली तिमाहियों में क्या यहाँ पर कुछ मामूली नरमी हम देखेंगे आती हुई? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की हम बात करें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में गोल्ड लोन चालू हुआ है और सारे के सारे खर्चे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किए हैं, हमने कोई कैपिटलाइज नहीं कर रहे हैं, तो उसके चलते हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गया है। मैं आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव में बताऊं तो हमारा करीबन 67 करोड़ का जो लॉस है वो गोल्ड लोन से रिलेटेड है। यदि वो नहीं होता था तो हमारी कॉस्ट इनकम रेशियो जो है वो करीबन करीबन बस करीबन 47% होता था, जो बढ़ के अभी 68% के आसपास दिखाई दे रहा है। और हमारा प्रॉफिट भी जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा जो अभी 48 करोड़ है वो बढ़ के 115 करोड़ रुपए हो गया होता। तो ये पूरा गोल्ड लोन का इन्वेस्टमेंट है जो हम कर रहे हैं। इनिशियल फेज में ब्रांच नहीं खुल रही है और एक ब्रांच को ब्रेक इवन के आते आते करीबन 15 महीने का समय लग जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इस चर्चा के लिए आपने इतनी बारीकी में जाकर दर्शकों को जानकारी दी। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब आस्था जैन, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हिम सिक्योरिटीज जुड़ गए हैं। आस्था, आफ्टरनून, बताएं कैप्री ग्लोबल को लेकर आपका क्या व्यू बनता है? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून कविता। देखा जाए तो देखिए, कैप्री ग्लोबल के जो भी नतीजे थे, टॉप लाइन में बढ़िया ग्रोथ हमने देखी, चाहे से मैं डिसबर्सल्स की बात करूं, चाहे से मैं AUM की बात करूं, सब में ग्रोथ आई। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है बॉटम लाइन में, क्योंकि बॉटम लाइन थोड़ी सी सप्रेस थी, लेकिन उसके पीछे के भी कारण थे, क्योंकि कंपनी ने अभी जो गोल्ड लोन का एक पूरा सेगमेंट है वहां पे एक ऑर्गेनिक एक्सपेंशन किया है, ब्रांचेस बढ़ाई है। मेरे हिसाब से इनकी तकरीबन 282 ब्रांचेस इन्होंने टोटल अभी इनकी हो चुकी है। तो ये जो खर्चे आ
जाते हैं, इसकी वजह से बॉटम लाइन प्रेशर में आई है। लेकिन कंपनी अभी एक्सपेंशन के मूड में है और स्पेशली गोल्ड लोन पे उनका काफी ज्यादा यहाँ पे एक देखा जाए तो फोकस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नतीजों में तो थोड़ा सा दबाव दिख रहा है बॉटम लाइन पे, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ और कंपनी क्योंकि एक्सपेंशन के मूड में है तो किसी ने अगर लिया हुआ है तो वो होल्ड कर सकते हैं। आने वाले 3 से 4 महीने देखने के रहेंगे कि कंपनी किस तरह से अपने इस एक्सपेंशन को प्रॉफिटेबिलिटी में टर्न अप करती है। लेकिन नई खरीदारी के लिए अभी थोड़ा सा रुक जाए क्योंकि नतीजे क्योंकि बॉटम लाइन में सब्ड्यूड है तो हो सकता है थोड़ा सा और गिरावट हमें देखने को मिले। तो अभी नई खरीदारी नहीं करनी है, लेकिन लिया हुआ है तो मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। अगर सब कुछ ठीक रहा, कंपनी ने बढ़िया नतीजे रहे नतीजे दिए आने वाले टाइम में, तो मेरे को लगता है कि 800 तक के भी स्तरीय काउंटर दिखा सकता है। तो नई खरीदारी नहीं करनी है, लिया हुआ है तो होल्ड करना है। शुक्रिया आस्था, समय निकाला और दर्शकों की मदद की। और इसी के साथ इस शो में फिलहाल इतना ही, और ब्रेक के बाद देखिए।